ये इंडिया कैंप है, तेरे गांव का अखाड़ा नहीं। यहाँ प्लेयर मुल्क के लिए और रोजगार के लिए खेलते हैं। 8 साल पुरानी यारी है, मेरा आज तेरा, अतीत तेरा, फैसले यारियां सब पर तो तेरा ही हक है। मेरी जान तो मेरी रहने दे। तो इस बार कौन नजर आने वाला है टाइगर श्रॉफ के साथ मेन लीड में, और क्या फिल्म में दोनों की दोनों हीरोइन सारा अली खान और जैकलिन फर्नांडिस हो सकती हैं, या फिर इस फिल्म के लिए एक टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा दर्शकों को? आइए इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में जानते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में, जहां हम लेके आते हैं सिनेमा जगत से जुड़े सारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक रोजाना। तो चलिए आज के गॉसिप के सिलसिले को शुरू करते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, बी टाउन का हाल फिलहाल का लेटेस्ट अपडेट तो ये है कि बी टाउन में एक फिल्म को लेकर काफी गहरी सनसनी मची हुई। जी हाँ दोस्तों, और इस सनसनी के पीछे का कारण है एक वर्सटाइल एक्शन फुल और साथ ही साथ में टैलेंटेड स्टार के यानी कि टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग मूवी। जी हाँ दोस्तों, टाइगर श्रॉफ अपनी अपकमिंग मूवी बागी 4 हम लोगों के सामने जल्द ही लेकर आने वाले हैं, और इसीलिए सारे के सारे दर्शक और उनके फैंस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। अगर बात करें बागी 4 के बारे में तो इस सीरीज में 3 मूवीज पहले भी आ चुकी हैं, और तीनों की तीनों मूवीज काफी हिट रही और बॉक्स ऑफिस पर काफी महंगी कमाई करके गई, और इसीलिए फिल्म के मेकर्स ने एक और सीरीज का पार्ट लाने की तैयारी कर ली है। लेकिन खबरें यहीं नहीं खत्म होती। बात दरअसल ये है कि इस बार कंट्रोवर्सी ये मची है कि इस बार टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म में कौन सी हीरोइन देखने को मिलेगी। दरअसल बात ये है कि फिल्म की अगर हीरोइंस की बात करें तो हर बार मेकर्स ने फिल्म की हीरोइंस को बदला हुआ है। हालांकि टाइगर श्रॉफ का पार्ट एज लीड रोल परमानेंट रहा और तीनों की तीनों मूवीज में वही नजर आए, लेकिन सीरीज की पहली और तीसरी मूवी में श्रद्धा कपूर अपना एक्शन दिखाते और धमाका मचाते नजर आई। और वहीं अगर बात करें सेकंड पार्ट के बारे में तो उसमें टाइगर श्रॉफ के साथ उनकी रिमोट गर्लफ्रेंड दिशा पटानी एक बेहद ही स्वीट, इनोसेंट और रोमांटिक पार्ट निभाती नजर आई, और इसीलिए देखना काफी ज्यादा एक्साइटिंग है कि इस बार फिल्म में कौन नजर आने वाला है। अब अगर बात करें फिल्म के बारे में तो फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला ने हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनको फिल्म के लिए एक नया चेहरा चाहिए, और वह यह चीज कंफर्म करना चाहते हैं कि इस बार फिल्म की हीरोइन रिपीट नहीं होने वाली है, जिससे ये तो क्लियर हो जाता है कि दिशा पटानी और श्रद्धा में से कोई भी इस बार मूवी में देखने को नहीं मिलेगा। तो अब ये नया चेहरा कौन होने वाला है, आइए बताए देते हैं। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि फॉक्स स्टार स्टूडियोज द्वारा बागी का कॉन्सेप्ट ट्रेलर रिलीज किया गया था, और कॉन्सेप्ट ट्रेलर में हमको दिखी थी एक्ट्रेस सारा अली खान। जी हाँ, इस कॉन्सेप्ट ट्रेलर में सारा अली खान को फीचर किया गया है, जिसके बाद मार्केट में खबर है कि शायद सारा अली खान इस बार टाइगर श्रॉफ के साथ पेयर अप करती नजर आएंगी बागी 4 के लिए। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं, सूत्रों की माने तो रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि फिल्म के मेकर और फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला ने फिल्म के लिए जैकलिन फर्नांडिस को अप्रोच किया है, और यहीं पे सारा का सारा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। अगर बात करें जैकलिन और टाइगर के इस पेयर के बारे में तो ये पेयर हमने पहले भी एक मूवी में काफी पसंद किया था। जी हाँ दोस्तों, टाइगर श्रॉफ और जैकलिन फर्नांडिस अपनी पिछली एक मूवी फ्लाइंग जट में साथ नजर आए थे, और लोगों की इनकी ये जोड़ी काफी पसंद आई थी। हालांकि वो मूवी थोड़ी रोम कॉम थी और ये थोड़ी एक्शन और ड्रामा से भरी होने वाली है, लेकिन क्योंकि इस पेयर को काफी पसंद किया गया है इसलिए इनको दोबारा ऑन स्क्रीन देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। जैकलिन अपने करियर में ऐसे एक्शन से भरी कुछ और मूवीज भी कर चुकी है, जिसमें रेस 2 और 3 और डिशम जैसी मूवीज का नाम शामिल होता है। तो इसीलिए लोगों का अनुमान है कि शायद जैकलिन इस बार मूवी में पसंद आने वाली हैं फिल्म के मेकर्स को।
लेकिन अगर बात करें सारा अली खान के बारे में तो उनका और टाइगर श्रॉफ का ये पेयर काफी क्रिएटिव हो सकता है। और चूंकि हमेशा से सारा अली खान अपनी मूवीज में एक इनोसेंट या फिर फंकी रूप में नजर आई हैं, तो इस बार एक्शन और ड्रामा में शायद लोग उनको काफी पसंद करें। इसीलिए ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इन दोनों में से आखिर कौन आ सकता है फिल्म के मेकर्स को पसंद टाइगर श्रॉफ के साथ। लेकिन दोस्तों, एक खतरनाक बात ये भी है कि मार्केट में खबर है कि शायद इन दोनों को ही मूवी में लिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। लेकिन ट्विस्ट ये होगा कि इनमें से एक हीरोइन सारा अली खान या फिर जैकलिन फर्नांडिस नजर आएंगी पॉजिटिव रोल में टाइगर श्रॉफ के साथ, वहीं दूसरी हीरोइन एक नेगेटिव रोल करती नजर आने वाली है। और ये दोनों के करियर का पहला नेगेटिव रोल होने वाला है, तो लोगों की एक्साइटमेंट ये सब सुन के काफी बढ़ती नजर आ रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमें अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही साथ में कर दीजिएगा बॉलीग्राड स्टूडियोज के चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप जुड़े रहें सिनेमा जगत की सारी खबरों से रोजाना।